हिसार के गंगा रोड पर स्थित सुशील कुमार कुश्ती अकादमी की ओर से राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से 4000 पुरुष और महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने भाग लिया। भाजपा नेता व समाजसेवी अजय संधु ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कुश्ती संघ के जिला प्रधान हवा सिंह खारिया ने बताया कि प्रतियोगिता में हरियाणा प्रदेश से 3 से 4 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया है। खेल संयोजक जसबीर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता अलग अलग आयु वर्ग में करवाई गई। उनकी एकेडमी के खिलाड़ी 40 किलोग्राम भार वर्ग में, पूजा 73 किलोग्राम वर्ग की खिलाड़ी का चयन अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी 4 से 7 जुलाई को कजाकिस्तान में आयोजित सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। हरियाणा राज्य प्रतियोगिता हमने करवाई है गाँव गंगुआ में, और ये सुशील कुमार एकेडमी जो नई बनाई है अपने जसवीर राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोच हैं रोशनी देवी ने, और इसमें कम से कम भी 3-4 हजार बच्चे लड़के और लड़कियां ने भाग लिया। यहाँ खाने पीने का बढ़िया हमने प्रबंध करवाया है और किसी चीज़ की यहाँ कोई कमी नहीं। बच्चा मैं गोल्ड मेडल जाएगा, ये इनकी वहाँ कोटा इनके नेशनल में वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, आगे देखो कहाँ पे। कम से कम 3-4 हजार बच्चे यहाँ आए हुए हैं। ये जो हमारा जो टूर्नामेंट हो रहा है, ये अंडर 15 ईयर एज ग्रुप का टूर्नामेंट है। इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट की टूर्नामेंट करवाई थी, डिस्ट्रिक्ट में जो सभी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी का सिलेक्शन होके जो फर्स्ट आए हैं खेल के वो यहाँ राज्य स्तर की 2 दिन की हमने यहाँ कुछ का आयोजन किया, और इसमें जो यहाँ प्रथम आएंगे वो आगे राजस्थान कोटा में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, और उसके बाद में ये राष्ट्रीय शिविर लगाया जाता है, शिविर के अंदर तो वो प्रथम आएंगे, वो फिर आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगे। न्यूज़ के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।